किसान संयुक्त मोर्चे का, ऐसे ही बिहार में जो भी छोटे बड़े आंदोलन चल रहे हैं हम उनको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद में उनसे मीटिंग करेंगे, एक बड़े आंदोलन की घोषणा होगी, क्योंकि बिहार के लोग पूरे देश भर में हैं। दिल्ली में भी बहुत लोगों ने मदद की, जो परिवार दिल्ली में रहते थे उनके परिवार यहाँ पर रहते थे, खेतीबाड़ी करते थे, वे अगर दिल्ली में रहते थे तो वहाँ आंदोलन में शरीक होते थे। तो एक बड़ा लगाव दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा में हो, यहाँ के लोग काम करते हैं और वे उस आंदोलन से जुड़े रहे। तो एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, वो चाहे गन्ना किसान हो या मक्का का या सूरजमुखी या धान और गेहूँ का किसान हो। यहाँ पे हालात देखी कि पटना से 40 किलोमीटर दूर एक गांव में गए किसी में, कई साल पहली बात है, उनके यहाँ मसूर थी उनके वहाँ पर, तो 1600 रुपये क्विंटल उसका रेट था, उनका लगी हुई थी करीब 40 बोरी उनका लग रही। तो क्या तो किसान बचाएगा, दालों का भी यही हाल है और सारी फसलों का यही हाल है। तो यहाँ के किसानों से भी अहम है कि जुड़े और आंदोलन के लिए आप तैयार रहें। सरकारें कोई भी हैं, अगर मूवमेंट नहीं होगा तो वे आपको भाव नहीं देंगे। तो मूवमेंट को तेज करें, वो चाहे एजुकेशन का हो, फसलों के रेट का सवाल हो, मेडिकल फैसिलिटीज का हो या नौकरी का सवाल हो। अभी अग्निपथ योजना आई, इसमें भी बहुत बुरा हाल देश के नौजवान का होगा। पॉलिटिकल आदमी सत्ता राशि जब तक वो जीता है वो पॉलिटिक्स करता है, उसका कोई रिटायरमेंट नहीं है। लेकिन 22 और 23 24 साल का बच्चा जब रिटायर होकर घर आएगा तो क्या कहेगा, वो ठीक लगता है कि 24 साल का बच्चा है, उम्र 24 और 23 साल हुई और ये रिटायर हो गया। तो ये आंदोलन भी जो यूथ का आंदोलन है, ये भी जब रिटायरमेंट होना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद में एक बड़ा आंदोलन ये भी होगा। हमने सब बच्चों को कहा कि अभी आप सिर्फ विरोध करें, अपना काम करें। हम जो किसान हैं जिनके परिवार से वे बच्चे जाते हैं, हम इस आंदोलन को भी लड़ेंगे। जिला है जो सूखे की चपेट में है बिहार में, बिहार में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो सूखा रहता है या बाढ़ रहती है। इसमें भी जहाँ जहाँ पे भी आज जाएंगे, जो जो से स्टेट का जो भी क्षेत्र होगा उसमें पूरी रिपोर्ट बना के आप लोगों के माध्यम से परसों फिर हम बातचीत करेंगे और सरकारों को चिट्ठी लिखेंगे और जरूरत होगी तो यहाँ की गवर्नमेंट से मिलेंगे भी। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।